कपास की फसल इस साल भारी बारिश और कीटों से बड़े पैमाने पर खराब होती दिखाई दी है। किसानों को भी काफी नुकसान उठाना पड़ा था, लेकिन कपास की डिमांड अच्छी देखने को मिली, जिससे किसानों को भाव भी अच्छे मिले। कपड़ा उद्योग से कपास की डिमांड अच्छी बनी हुई है और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भी भारतीय कपास की मांग अच्छी ही देखने को मिली है। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कपास की कीमतों में तेजी बनी हुई है। घरेलू हाजिर बाजार में कपास का ज्यादातर माल दागी है और अच्छी क्वालिटी की कपास काफी कम देखने को मिल रही है। अच्छी क्वालिटी की कपास की डिमांड बाजारों में ज्यादा है। इन सभी के चलते कपास की कीमतों में तेजी का रुझान जारी है। किसानों को उम्मीद है कि आगे कपास की और अच्छी कीमतें देखने को मिल सकती हैं और 10,000 तक जा सकती हैं। वहीं बाजार के जानकार IIFL सिक्योरिटीज के वाइस प्रेसिडेंट अनुज गुप्ता के मुताबिक कॉटन में आगे तेजी का ही रुझान है। इंटरनेशनल मार्केट में कॉटन की कीमतों में तेजी बनी हुई है। अनुज गुप्ता के मुताबिक MCX कॉटन 35,000 का स्तर दिखा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी। जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक, अहमदाबाद से अगरतला तक, बिग ब्लेस हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान।